तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं कि हम वाराणसी के शिवपुर चौराहे पर हैं। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है तो काफ़ी भीड़ भाड़ है चौराहे पर, लोग अपने काम पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम है, वहाँ पर पंडाल बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर जो जो रोड जा रहा है, जहाँ से जाता है, उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दें। तो दोस्तों, ये रोड देख सकते हैं, सीधे जाता है मड़ुआडी के साइड, लहरतारा से होते हुए मड़ुआडी निकल जाता है। और ये रोड सीधे दोस्तों आपका भोजू बीर की तरफ जाता है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वाला जो रोड है सीधे स्टेडियम की तरफ जाता है, जो कि शिवपुर मिनी स्टेडियम है। तो आपको आइए ले चलते हैं उस स्टेडियम में। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो सुबह का समय है, देख सकते हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्टेडियम के बगल में सब्जी का मार्केट लगता है, आप लोग देख सकते हैं। सुबह का समय है, सब्जी का मार्केट भी लगा हुआ है, लोग अपने काम धंधे पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस स्टेडियम में हर साल बहुत ही खूबसूरत दुर्गा माता का पंडाल सजाया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों, आप लोग को आज वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि सारा काम कितना अभी आगे बढ़ा है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि ये एक और गेट है इसका, जो हमेशा खुला रहता है। तो सुबह लोग आते हैं इसमें टहलने के लिए और गेम खेलने के लिए, सभी लोग आते हैं। तो दोस्तों, इसी में दुर्गा माता का पंडाल सजाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये मंदिर जो है कि प्रेम मंदिर मथुरा में है, उसी के तर्ज पर बनाया जा रहा है इसमें। तो दोस्तों, स्टेडियम के बाहर आप लोग देख सकते हैं कि बाइक कोई हर चीज़ खड़ी है। जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं और खेल कूद करने के लिए आते हैं, वो सभी लोग अपना गाड़ी अंदर नहीं ले जाते हैं, बाहर ही गेट पर खड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि कितना कार्य अभी तक हुआ है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह का समय, सभी बच्चे मतलब अपना खेल रहे हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये शिवपुर का मिनी स्टेडियम है, तो बहुत ही प्यारा स्टेडियम है ये। तो दोस्तों, पंडाल का काम तो काफ़ी जोरों शोरों से हो रहा है दोस्तों। इसको जो वर्कर काम करने के लिए आते हैं, वो इसमें रहते हैं दोस्तों, इसमें रहते हैं और सुबह होते ही अपने काम पर लग जाते हैं। तो देख सकते हैं पंडाल अभी कितना तैयार हुआ है आप लोग। तो दोस्तों, इसका कार्य बहुत तेजी से हो रहा है, ये कुछ ही दिनों में तैयार कर दिया जाएगा इसका ढांचा। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको वीडियो पल पल का देता रहूँगा, बनाता रहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है, ये मंदिर जो है बहुत ही फेमस मंदिर पर बनाया जा रहा है। प्रेमा मंदिर जो है वृंदावन में, उसी के तर्ज पर बनाया जा रहा है दोस्तों। तो हर साल यहाँ पर किसी न किसी मंदिर के तर्ज पर बनाया जाता है, बहुत ही खूबसूरत पंडाल यहाँ का होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कार्य हो रहा है, जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो पंडाल बनकर तैयार जो होगा, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा दोस्तों, बहुत ही फेमस है यहाँ का। तो दोस्तों, देख सकते हैं वर्कर सब काम कर रहे हैं, सुबह सुबह ही उठकर अपना काम पर लग गए हैं। तो दोस्तों, इसका दो दरवाज़ा बनाया गया है, एक तरफ से एंट्री हो, एक तरफ से एग्जिट हो। और कार्य तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों,
पूरी तरफ से बांस बांध बांध कर बनाया जा रहा है दोस्तों। कार्य प्रगति पर है, अभी कुछ ही दिनों में इसको ढांचा जो है इसका तैयार कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी वर्कर हैं तो ये ज़्यादा करके कोलकाता से आते हैं। हर साल यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पंडाल सजता है दोस्तों। तो दोस्तों जब दुर्गा पूजा जब आता है तो काफ़ी यहाँ पर भीड़ लग जाती है। लोग अगल बगल छोटी छोटी अपने दुकानें लगा कर बैठ जाते हैं, कोई मतलब गोलगप्पा बेचता है, कोई चाट बेचता है दोस्तों। तो इस स्टेडियम में काफ़ी भीड़ लग जाती है दोस्तों, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों वर्कर यहाँ पर हैं, अपना सुबह ही उठकर चले आते हैं, बगल में अपना घर बनाए हुए हैं, सुबह उठकर चले आते हैं काम करने के लिए अपना, और देर रात तक काम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ के जितने भी वर्कर हैं सब बाहर से आए हुए हैं, सब कोलकाता से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब ये पूरी तरह से पंडाल बन जाए तो इसका मैं नया वीडियो लाऊं तो आप लोग को ज़रूर मिल सके दोस्तों। क्योंकि जब ये पंडाल बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा दोस्तों। अभी तो कार्य यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी।